एक बार फिर से टूटा किंग कोहली का सपना। 16 साल का इंतजार अब हुआ 17 बरस का। कोहली नहीं कर सके अपना विराट सपना पूरा। जी हाँ, वर्ल्ड क्रिकेट की मॉडर्न रन मशीन को नहीं मिला वो ताज जिसका है सालों से इंतजार। इंडिया क्रिकेट के ब्रांड या वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े रिकॉर्ड किंग विराट कोहली के वो अरमान फिर से अधूरे रह गए जिसके लिए वो सालों से इंतजार कर रहे हैं। वो है आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें एडिशन में विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक बार फिर से चूक गई। बुधवार को जैसे ही आरसीबी को एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स के हाथों हार मिली, वैसे ही आरसीबी और विराट कोहली के अरमान बह गए। आरसीबी के खिताब से चूकने के बाद अब एक बार फिर से उनकी आरसीबी टीम के साथ खेलने या ना खेलने को लेकर चर्चा ने जन्म ले लिया है। जहां आरसीबी को मिली हार के तुरंत बाद ही वर्ल्ड क्रिकेट के एक लेजेंड ने अपना रिएक्शन दिया है, जिसमें इस लेजेंड प्लेयर ने विराट कोहली को सलाह दी है कि वो आरसीबी के साथ छोड़कर किसी दूसरी टीम से खेले। दोस्तों, ये बात कही है आरसीबी के लिए खेल चुके केविन पीटरसन ने। इंग्लिश दिग्गज यानी कि केविन पीटरसन ने विराट कोहली को आरसीबी की बजाय अब दूसरी टीम में खेलने की सलाह दी है, जिसमें पीटरसन ने विराट के लिए दिल्ली फ्रेंचाइजी का ऑप्शन भी रखा है। केविन पीटरसन ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब उन्होंने कोशिश की और पूरी मेहनत से कोशिश की है, एक बार फिर ऑरेंज कैप जीती और एक बार फिर से बहुत कुछ किया और फ्रेंचाइजी में खिला गई। मैं समझता हूँ कि टीम के ब्रांड के लिए और कमर्शियल वैल्यू के मकसद से वो टीम में बहुत कुछ लेकर आते हैं, लेकिन विराट कोहली ट्रॉफी जीतने को डिजर्व करते हैं। वो उस टीम में खेलने के हकदार है जो उन्हें ट्रॉफी दिला सकती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये दिल्ली हो सकती है। दिल्ली वो जगह है जहाँ विराट कोहली को जाना चाहिए। विराट यहाँ से दूर जा सकते हैं और ज्यादातर वो अपने घर पर रहेंगे। मुझे मालूम है कि दिल्ली में उनका घर है, उनके युवा परिवार है और वो वहाँ ज्यादा समय बिता सकते हैं। वो दिल्ली के लड़के हैं और आखिर क्यों वो वापस नहीं जा सकते। दिल्ली भी बेंगलुरु की तरह बेताब है। केविन पीटरसन के इस सजेशन को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।